हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में ट्रेंडिंग फ्री फायर कैरेक्टर ग्लो शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही सिंपल स्टेप को फॉलो करके। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें अगर आपको भी ट्रेंडिंग फ्री फायर शॉर्ट्स एडिटिंग करना सीखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं कैपकट ऐप में। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज़ करने के लिए आपको किसी वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे वीपीएन मिलते हैं, आप वहाँ से कोई भी एक इंस्टॉल कर लेना एंड उसे आप यहाँ पर ओपन करना। जैसे कि मैं सुपर वीपीएन को ओपन कर ले रहा हूँ। फिर कनेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और वीपीएन से आपको कनेक्ट हो जाना है। मतलब सिर्फ कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली वीपीएन से कनेक्ट हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना होगा। कुछ सेकंड के अंदर ही ये कनेक्ट कर देता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। ठीक है, तो कनेक्ट हो चुके। अब आपको सिंपली सा कैपकट को ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आपको यहां पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपना वीडियो क्लिप्स को सेलेक्ट कर लेना है। देन ऐड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका वीडियो क्लिप्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल सी वीडियो क्लिप है। ठीक है, ना स्लो मोशन है, ना कलर ग्रेडिंग है, ना ही कोई इफेक्ट है, ना ग्लो है, कुछ भी नहीं है। तो सारा एडिटिंग अभी हम करने वाले। ओके, तो सबसे पहले ना एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आप इसमें जो भी बेकार वाले पार्ट है या जो आपको लग रहे सही नहीं है आप उन्हें हटा लेना। लाइक अगर आपको कुछ क्लिप्स इससे हटाना है तो इसके ऊपर क्लिक करना। स्प्लिट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो स्प्लिट हो जाएगा। अब उस पार्ट को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे तरीका दिखा दे रहा हूँ। मेरा तो ये क्लिप काफ़ी सही लग रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये दोनों इमोट बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे हम इसी तरीके से रखते हैं। आपको मैंने तरीका दिखा दिया हटाने का, आप हटा सकते हो। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर लेते हैं, क्योंकि म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही सारा एडिटिंग हमारा होने वाला है। तो जस्ट ऑडियो के ऊपर आप क्लिक करना, फिर साउंड के ऊपर आप क्लिक करना। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करना एंड अपना म्यूजिक को आप सेलेक्ट कर लेना जिसे आप यूज करना चाहते हो। म्यूजिक सेलेक्ट करना काफ़ी आसान होता है। आपको यहाँ पे प्लस का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आप सिर्फ क्लिक कर दो, म्यूजिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, म्यूजिक ऐड हो गया। अब आपको यहाँ पे बैक करना है एंड अपनी एडिटिंग को स्टार्ट करना है, जैसे कि आप स्लो मोशन कर सकते। तो लाइक जब आप अपने वीडियो को देखोगे तो उसमें आपको कुछ कुछ पार्ट ऐसे दिखेंगे ना जो आपको खुद बोलेंगे कि यार यहाँ पे स्लो कर लो ना, वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे जो वॉक कर रहा है, इस टाइम पे अगर हम स्लो करें तो वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर इस वीडियो की हम बात करें तो जब ये स्नेक ऊपर आ रहा है यहाँ पर स्लो करें तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जब आप अपने वीडियो को देखोगे ना तो उसमें आपको समझ आएगा कि हाँ कहाँ पर स्लो करना है। तो उस वाले पार्ट को आप स्लो कर देना। कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली से अपने वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना, फिर आपको यहाँ पे स्पीड के ऊपर क्लिक करना है। स्पीड के ऊपर क्लिक करने के बाद कर्व का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, इसके ऊपर आप क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक कर देना। फिर अब आप यहाँ पर स्लो कर सकते हो। लाइक इसे आप यहाँ से प्ले करना, प्ले करने के बाद जहाँ आपको लगता है कि वहाँ पर स्लो करना है, जैसे कि इस वाले क्लिप में मुझे ये जो वॉक करते हुए आ रहा है यहाँ पर स्लो करना है। ठीक है, लाइक यहाँ पर ये वॉक कर रहा है तो इस वाले पॉइंट पे मुझे स्लो करना है। तो जहाँ पे भी आपको स्लो करना होगा वहाँ पे आप इस ऐड बीट की मदद से एक बीट ऐड कर देना। इसके ऊपर क्लिक करना, बीट ऐड हो जाएगा और उसी को पकड़ के नीचे कर देना तो वो वाला पार्ट स्लो हो जाएगा। जैसे कि मैं प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो स्लो हो गया। ठीक है, तो सिमिलर वे में जहाँ पे भी आपको स्लो करना है वहाँ पे पॉइंट को नीचे कर देना। थोड़ा बहुत आप इन सब को एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब बेसिक सी बात है, अगर स्लो करना है तो पॉइंट को नीचे करना, स्लो हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि ये जो स्लो होता है तो थोड़ा सा अटकने लगता है, स्मूथ नहीं रहता है। तो उसे स्मूथ करने के लिए मेक इट स्मूथर के ऊपर क्लिक करना है, बेटर क्वालिटी को सेलेक्ट करके जस्ट डन कर देना है तो इस ये जो होगा वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सेम तरीके से आप अपना जितने भी क्लिप्स हैं जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे स्लो करना चाहिए वहाँ पे आप स्लो कर देना। ठीक है, तो स्लो मोशन हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं और ग्लो इफेक्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो सब करने के लिए डन कर लेंगे और फिर से आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो के ऊपर आप क्लिक करोगे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आप स्क्रॉल करना एंड आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे आपके सामने ऑप्शन आएंगे, तो इनमें से आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो और इन ऑप्शन से आप अपने वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कलर ग्रेडिंग करना है तो आप यहाँ पर सेचुरेशन
का हेल्प ले सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके, इसका जो कलर है उसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, लाइक आप देख पा रहे हो, या फिर डिक्रीज़ भी, तो जो करना है कर लेना। हम इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे ब्राइटनेस एंड एक्सपोजर मिलते हैं जिनकी मदद से आप लाइट को कम या फिर ज़्यादा कर पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लाइट यहाँ इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि डार्क लग रहा है, ठीक है, काफ़ी सही हो गया। अब उसके बाद अगर आप इसे और एडवांस लेवल की कलर ग्रेड करना चाहते हो तो HSL में आप आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपको एक एक कलर का कंट्रोल मिल जाएगा, उस कलर के ऊपर क्लिक करना जिसे आप एडिट करना चाहते हो। फिर आपको स्टार्टिंग में HUV मिलेगा जिससे कि आप इस तरीके से उस कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसे मैं इधर रख लेता हूँ, इससे सेचुरेशन आप उस कलर की बढ़ा सकते हो, लाइट कम कर सकते हो या फिर ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। तो सेम यही चीज़ को फॉलो करके आप यहाँ पर हर एक कलर को एडिट कर सकते हो, जैसे कि इसे अगर चेंज करना है तो HUV से कर लेना, ठीक है। बेसिकली हमें इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट तो फिर भी अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर पाओगे, ठीक है, फिर डन कर देना है। एंड हाँ, अगर आपको कलर ग्रेडिंग करना है और अपने कलर ग्रेडिंग को थोड़ा आसान बनाना है तो आपको फिल्टर के ऊपर आ जाओ। ये जो फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर ग्रेडिंग मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर यू बोलो फिल्टर मिल जाएगा। तो इनमें से जो फिल्टर आपको पसंद आ जाता है ना उसे आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस टाइप का कलर ग्रेडिंग हो गया ऑटोमेटिकली, आप देख पा रहे हो, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे फिल्टर की मदद से सिर्फ एक दो क्लिक करके आप यहाँ पे अच्छा खासा कलर ग्रेडिंग अचीव कर सकते हो। ये वाला काफ़ी सही लग रहा है तो मैं इसे को रख लेता हूँ, ठीक है। आपको जो कलर ग्रेडिंग सही लगेगा आप उसको रख लेना। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ करें, क्योंकि कलर ग्रेडिंग हमारा हो चुका है। अब वो क्वालिटी इंक्रीज़ करने का ना आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको शार्पन मिलता है, शार्पन के ऊपर आके आप इसे इंक्रीज़ कर देना। क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है, बट पूरा इंक्रीज़ करने से ना थोड़ा ज़्यादा शार्पन टाइप का लगता है, तो थोड़ा आप यहाँ पे इसे कम ही रखना, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर जाके आप इसे यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ कर देना, तो आप देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी इनहेंस हो जाएगी, लाइक आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से कलर ग्रेडिंग एंड साथ में आप यहाँ पे क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अब आप ये जो अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना, सो डेट कि जितना भी आपके क्लिप्स हों उन सभी में कलर ग्रेडिंग एंड उनका क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाए। फिर आप यहाँ पर डन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कलर ग्रेडिंग क्वालिटी हमने इंक्रीज कर ली है। अब उसके बाद हमें इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड करना है, और भी जो इफेक्ट वगैरह होते हैं आपने देखा होगा काफी सारे शॉर्ट्स वीडियो में ट्रेंडिंग इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उन्हें हम ऐड करना सीखने वाले, ठीक है। तो इफेक्ट्स हम ऐड करना जान लेते हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पे जो म्यूजिक है इसे कट कर लेना जितना दूर तक आपका वीडियो, ठीक है, हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन रहेगा, इसे कट करके बाकी पार्ट को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना, ओके। अब यहाँ पे ना आप इफेक्ट ऐड करने से पहले ये जो ट्रांजिशन का बटन दिख रहा है आप यहाँ पे क्लिक करो और कोई एक अच्छा सा इफेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है। ट्रेंडिंग इफेक्ट के ऊपर हम आते हैं, बट सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर लेंगे क्योंकि ट्रांजिशन से आपकी वीडियो काफ़ी बेहतर बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप ये वाला देख पा रहे हो, ट्रांजिशन काफ़ी सही लग रहा है। फिर यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैं, तो इनमें से किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, मुझे काफ़ी सही लग रहा है, फिर डन करते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्टोरी टाइप का हमारी वीडियो बन रही है। लाइक यहाँ पे एक पहले नॉर्मल सा मींस क्लॉथ वगैरह था, नॉर्मल सा इमोट वगैरह था, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोबरा वगैरह है शायद, मुझे उतना फ्री फायर का आइडिया नहीं है, बट ये वाला आप क्लॉथ देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, इमोट भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर टाइप की हमारी वीडियो बन गई है, ठीक है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। नाउ अब बारी आती है इफेक्ट ऐड करने की। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करना, फिर वीडियो इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे, एंड यहाँ पे ना आपको एक ट्रेंडिंग का ऑप्शन ही देखने को मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन में या फिर इस कैटेगरी में आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट ही मिलेंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये जो हेलो ब्लर है वो हमेशा से ही या ट्रेंड पे है, मतलब जब से ये आया है कैपकट में तब से ये ट्रेंड में है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो वो भी अपने वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यूज़ कर लेना, फिर आप यहाँ पे इसे डन कर देना। देन जितना दूर तक आप रखना चाहो तो वहाँ तक आप इसे रख सकते हो, मैं इतना रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग को काफ़ी अच्छा इसने बना दिया, लाइक आप यहाँ देख पा रहे हो, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद अगर आप इसमें ग्लो इफेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो जस्ट स्टार्टिंग में आ जाना, अगर स्टार्टिंग से करना है कहीं और से करना है तो कहीं और से आप जा सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ, फिर यहाँ पे वीडियो इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ना आपको तीन मींस इफेक्ट मिलता है जिससे कि आप ग्लो इफेक्ट ऐड कर सकते हो वीडियो के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर नाइट क्लब में एक वाइब्रेशन फ्लैश करके है, नहीं फ्लैश वाइब्रेशन, हाँ ये वाला, इसे सेलेक्ट करो तो इससे भी ग्लो इफेक्ट ऐड होता है, बट
इसमें आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा, मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। आप इसे सेलेक्ट करके डन कर लेना, ये इस तरीके का हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले नीचे में ये जो स्पीड है इसे जीरो कर देना स्पीड को, और एटमोसफेयर इसे पूरा प्लस कर देना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो काला काला दिख रहा था वो हट गया, और जो शेक हो रहा था वो भी हट गया। अब सिर्फ यहाँ पे ग्लो है, ठीक है। तो इस ग्लो को हम यहाँ पे जस्ट रखेंगे एंड डन कर लेते हैं। अब इसे मैं इंक्रीज करके दिखाऊँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ग्लो इफेक्ट हमारी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो गया, बट ग्लो बहुत ज़्यादा है। तो एडजस्ट के ऊपर जाके यहाँ पे आपको ग्लो का ऑप्शन मिलता है, इसे कम कर लेना, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो ग्लो ऐड हो गया, जो कि काफ़ी कमाल की लग रही है हमारी वीडियो के ऊपर। तो इस तरीके से आप ग्लो ऐड कर सकते हो। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसे पूरा मीन्स एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि रेंज को थोड़ा कम कर लेते हैं, सही लग रहा है। फिर इसका कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, जैसे कि जो कलर अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसे आप यहाँ पे अपने वीडियो में ग्लो इफेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डन कर देना। एंड और भी यहाँ पे आपको इफेक्ट मिलते हैं जिससे कि आप ग्लो इफेक्ट ऐड कर पाओगे, जैसे कि वीडियो इफेक्ट में आप जाते हो एंड यहाँ पे लाइट इफेक्ट में अगर आप जाओगे तो आपको एक ड्रीमी ग्लो मिलेगा, उससे भी आपका जो इफेक्ट है मतलब ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाता है। साथ ही में यहाँ पे लेंस में आप जाओगे तो लेंस में आपको एक एज ग्लो मिलेगा, इससे भी होगा, ठीक है। बट मुझे सबसे बेस्ट यही वाला लग रहा है, इसलिए मैं इसी को रख रहा हूँ। आपको जो सही लगे उसे आप रखना, सभी से होगा, सभी में सेम चीज़ है, थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको करना होगा एंड हो जाएगा ग्लो इफेक्ट ऐड। तो आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो यहाँ पर ऑलमोस्ट एडिट हो गया है, ठीक है। अब चाहो तो इसमें आपको और भी ट्रेंडिंग इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में आप जाओगे एंड वीडियो इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे और भी इफेक्ट मिलेंगे, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो वाइब्रेशन फ्लैश है, इसे अप्लाई करने से कुछ ऐसा मीन्स इफेक्ट बन रहा है, देन इसे डन कर लेते हैं, ठीक है। फिर जितना दूर तक रखना चाहो आप रख सकते हो, कुछ ऐसा इफेक्ट ऐड होता है जो कि काफ़ी कमाल का लगता है, आप देख पा रहे हो। ओके इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। देन अगेन आप आगे यहाँ पे आके एंड वीडियो इफेक्ट के ऊपर जाके और भी काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, उन्हें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो सही लगे उसे आप अप्लाई कर लेना। मैं यहाँ पे कोई एक अच्छा सा ढूंढ लेता हूँ, जैसे कि ये वाला स्प्लिट फ्लिकर है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इसे डन कर देते हैं, फिर जितना दूर तक रखना चाहे रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जस्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी आसान है। जो आपको सही लगे उसे आप अप्लाई कर लेना। मैंने आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक चीज़ दिखा दी है कि कैसे एडिटिंग करना है, क्वालिटी कैसे इंक्रीज करना है, इसे लेके कैसे इफेक्ट वगैरह ऐड करना है, सारा चीज़। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ आ चुका होगा। अब वो वीडियो बन गया है, तो इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करना एंड क्वालिटी को पूरा मैक्स कर देना ताकि क्वालिटी लूज ना हो। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, फिर सेव टू डिवाइस के ऊपर क्लिक करना, आपके गैलरी में आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।